ये चार पेच लगे हुए हैं, ये चारों पेच खोल लेना दोनों साइडों से। चार पेच खोलने के बाद इसको ऊपर कर देना। ये ऊपर से रखने का, दोनों साइड जो चार पेज खोलोगे वो चार पेज इसके साथ टाइट कर देना। लगा पत्ती, लगा ये पत्ती को यहाँ नीचे के साइड से रख के ऊपर से बॉल डालना और नीचे से नट कस देना। नट इतना ही कसना इजीली लेफ्ट राइट हो सके, ज़्यादा कस दोगे तो लेफ्ट राइट करने में दिक्कत होगा। पेज का प्लास से वाटर डाल के पिन डाल के मोड़ देना इसके अंदर। पहिया डाल, दोनों साइड की फिटिंग सेम है, जैसे इस साइड की फिटिंग है वैसे सेम उस साइड की है। लगा अंदर का। ये चार पेज खोलने के बाद फिर रॉड डालना है आपने। चार पेज खोलिए वाला बाहर निकाल, इसको लगा। मोटर लगाने के बाद ये रॉड डालना आपने ऐसे। चल अब जो पार्ट तूने खोल के हटाया था वो पार्ट लगा, लगा शॉकर नीचे की साइड से डाल दे, आ जाएगा शॉकर डाल। इस तरीके से फिटिंग करने के बाद ऊपर से चार पेज कस देना, जो चार पेज खोल के आपने हटाया था ये चार पेज कस देना। ये चार पेज यहाँ कसने के बाद आपने एक वॉशर डालना है, उसके बाद मोटर डालना है, और पहिए दो तरीके का होगा, एक में ये रेड कलर का लगा हुआ है और एक में ब्लैक है। ब्लैक वाला ये फ्रंट का है और ये रेड वाला बैक का है। ये लगा, फिटिंग दोनों साइड की सेम होगा, व्हील फिटिंग कोई डिफरेंस नहीं है। चल रखा कर, बैटरी कनेक्शन करने के लिए ये चीज़ हटा लेना वाइट वाला, इसका कोई काम नहीं है, और रेड वायर इसके अंदर लगा देना। ठीक है, पावर आपका ये ऑन हो गया। अब बाकी का जो कनेक्शन करना आपको वो ध्यान से देखना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे सेम करना। ये डांसिंग का मोटर है जो यहाँ से निकल रहा है, ये वायर आपने सर्किट के अंदर अटैच करना है, वो एक जगह खाली होगा यहाँ पे, ये कहीं और अटैच मत करना नहीं तो कोई और पार्ट ख़राब हो सकता है। इसको यहीं अटैच करना जो डांसिंग वाला मोटर है। ठीक है, अब रह गया आपका लेफ़्ट और राइट दो मोटर के वायर है। ये एक मोटर का वायर किसी से किसी को अटैच कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, यहाँ की यही वायरिंग है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ध्यान एक ही चीज़ रखना आपने, जो मोटर की वायरिंग है वो सर्किट से अटैच होगा, और जो दूसरा व्हील में जो मोटर लगा हुआ है वो यहाँ पे दो वायर से अटैच होगा एक दूसरे से, उल्टा सीधा मत करना। और आप एक बार चला के देख लेना, अगर चलाने के बाद कोई इशू आए तो उसका बता देते आपको। जैसे ये फ्रंट पर डालना पहले, और ये स्विंग के लिए ये ऊपर नीचे होगा, और ये फ्रंट डालोगे और रेस दोगे तो ये फ्रंट चलेगा, और ये रेस दोगे तो बैक चलेगा। अगर आपका उल्टा चलता है, जैसे कि दो पहिया आपका सही दिशा पे चल रहा है और दो पहिए का दिशा गलत है, तो
तो आपने कुछ नहीं करना है, बस एक दूसरा मोटर इधर से उधर शिफ्ट करना है, जो गलत चल रहा है उसको फ्रंट को बैक करना, बैक का फ्रंट पे करना मोटर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसमें भी हो सकता है गलत दिशा दे रहा हो,